नमस्कार दोस्तों। तो शनि के गोचर कुंभ राशि में जो हो रहा है उस पर राशि परिवर्तन के अनुसार मैं अलग अलग राशियों पर उनका क्या प्रभाव पड़ने वाला है ये बता रही हूँ। तो आज हम चर्चा करेंगे कर्क राशि के ऊपर कि कर्क राशि में ये कैसा रहने वाला है। तो जैसा कि आप जानते ही हैं, शनि हमारे कर्म के कारक भी माने जाते हैं। शनि का बहुत लोग अशुभ मानते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। आप जैसे कर्म करेंगे शनि आपको वैसा ही फल देते हैं। शनि देव न्याय की मूर्ति भी कहा जा सकता है। शनि के आशीर्वाद से बिगड़े काम बनने लगते हैं, हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। आपको बस इतना करना है, जितने भी आसपास के लोग आपकी रोजाना की ज़िंदगी में आते हैं उनसे अच्छी तरह बातचीत करें, उनको आदर और सम्मान दीजिए, संभव हो तो कुछ गिफ्ट भी भेंट कीजिए, इससे शनि देव प्रसन्न हो जाएंगे। शनि का राशि परिवर्तन दुनिया में बहुत सारे अवसर लेकर आएगा, सुख समृद्धि लाएगा ही। साथ में अगर कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, टेक्नोलॉजी से जुड़े सभी लोगों को ये बहुत आगे बढ़ाने वाला रहेगा ये समय। राजतंत्र में भी नव चेतना जागृत होगी, साथ ही लोकतंत्र का भी प्रचार होगा। 17 जनवरी शाम 5:59 से अपनी ही कुंभ राशि में ये प्रवेश करेंगे। वो इनकी मूल त्रिकोण राशि भी है, जो लगभग 30 मार्च 2025 तक इसी राशि में रहेंगे, लेकिन 17 जून 2023 से ये 4 नवंबर 2023 तक वक्री होकर जाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि कर्क राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। कर्क राशि में धन भाव के लॉर्ड होकर 7th हाउस में ही रहेंगे। पैसे से पैसा कमाने के लिए आपकी सूझबूझ काम आएगी। पुराना रोका हुआ पैसा आपको मिल जाएगा। हो सकता है जहां आपको चुकाना हो वहां आप देनदारी भी पूरी कर पाएं। दोनों ही काम आपके पूरे होंगे। आपको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाकर ही रखना होगा और आगे चलना होगा। वैसे इस समय नए कॉन्ट्रैक्ट आपको कुछ फ़ायदा भी मिल सकता है। हो सकता है कि आपके अंदर इस चीज़ों को लेकर कुछ अहंकार भी आ जाए, परंतु आपको अहंकार नहीं दिखाकर बहुत सद्भावना के साथ ही अपने काम को आगे बढ़ाना चाहिए। आपकी चमक भी बढ़ेगी, साथ ही आपके परिवार के साथ आपके संबंध भी बहुत अच्छे बनेंगे। आप किसी पर निर्भर ना रहकर आप अपने आत्मबल पर ही खड़े उतरें, ऐसा आपको करना चाहिए और आत्मविश्वास से आगे बढ़ना चाहिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय आपके लिए कुछ उतार चढ़ाव वाला भी रह सकता है। आँखों की परेशानी या घुटनों में कुछ दर्द की समस्या बनी रह सकती है। तो कर्क राशि वालों के लिए मैं दो ऐसे उपाय बताऊंगी जिन्हें करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सूर्य को जल दीजिए, आदित्य स्त्रोत का पाठ करें और प्रतिदिन सूर्य की रोशनी में कुछ देर गुजारें। गेहूं को ज़रूरतमंद लोगों को दान दीजिए, यह आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।